हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर टेकिंग टॉपिक ऑफ क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस। अवर चैप्टर फर्स्ट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। इससे पहले एक बात करता हूं कि जो चैप्टर है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अभी लॉकडाउन के टाइम में जब पहले ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी थी तब भी डिस्कस करा था। अब थोड़ा वापस ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे तो थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं इस चैप्टर को, यहीं से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके यूनिट टेस्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि अभी स्कूल है, 31 जुलाई तक तो ओपन होगी नहीं, उसके बाद कब होगी पता नहीं, जो भी है, लेकिन जब भी ओपन होगी तो टेस्ट भी होगा, आपके यूनिट टेस्ट तो इसमें से ही आएगा। तो आप जल्दी से बुक परचेज कर लीजिए, नहीं करी है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपके हेल्पफुल रहेगा पढ़ने के लिए, कि आपको बुक्स में मिल जाएगी चीजें कहां से पढ़ना है क्या नहीं। तो अपन अपना चैप्टर डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। नोटबुक भी डाल लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे आपको, वो भी करना, वर्कशीट मिल जाएगी आपको इन द पिक्चर फॉर्म, इन द रिटन फॉर्म, जो भी है आप नोटबुक डाल सकते हैं। इसमें से आपको जो भी लगे कि इंपॉर्टेंट है वो भी आप लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन बेस ये सब वैसे क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे फ्रेम होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स का मीनिंग है कि मतलब एनिमल्स की जो आदतें हैबिट्स हैं वो ईटिंग के बेस पर अपन को डिस्कस करनी है। मतलब खाने में हर एनिमल्स की एक जैसी हैबिट नहीं होती है खाने में, उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हर एनिमल्स अलग टाइप से खाता है, हर एनिमल्स के टीथ अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई क्या खाता है, कोई कुछ और खाता है, ठीक है। तो उससे पहले खाता क्या है, खाना खाता है। खाना क्यों खाते हैं अपन, व्हाई डू वी नीड फूड, व्हाई ईट फूड, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड, क्यों खाते हैं, क्या काम करता है फूड, क्यों जरूरी है हमारे लिए। बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी एंड कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रांग। बिकॉज जो खाना होता है वो हमें क्या देता है, एनर्जी। क्या देता है भाई, एनर्जी, और हमें हेल्दी एंड स्ट्रांग रखता है। क्या रखता है भाई, हेल्दी रखता है और स्ट्रांग रखता है। कौन रखता है, फूड। तभी देखो कुछ भी वर्क करना होता है तो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। तभी जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं बीच में ब्रेक का टाइम होता है, इंटरवल का टाइम, उसमें आप अपना रिफ्रेशमेंट लेते हैं, लंच लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो भी है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट के पीरियड आप पढ़ने के लिए आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, आप रिगेन हो जाते हैं पढ़ने के लिए। जैसे सुबह आते हैं ना पढ़ने के लिए, वैसे आफ्टर 4 मिनट्स के लिए, ठीक है। वैसे ही खाना हमें एनर्जी देता है, कोई वर्क करना एनर्जी। अगर खाना ही खाएंगे 2-3 दिन फिर आप बोलेंगे पढ़ाई करो, ये पत्थर उठा के वहां रखो, ऐसा काम करो, स्टेप चढ़ो ऊपर नीचे उतरो, तो अपन को प्रॉब्लम होगी, वीकनेस आएगी, हो सकता है अपन को चक्कर भी आ सकता है, गिर भी सकते हैं, चोट भी लग सकती है। तो एनर्जी नहीं होगी बॉडी में तो अपन नहीं कर पाएंगे। जैसे बाइक के अंदर फ्यूल होगा तभी चलेगी, तो अपने बॉडी के अंदर भी फ्यूल क्या है, एनर्जी है, वही प्रकार की एनर्जी अपने बॉडी में। तो अपने लिए वो एनर्जी बनाने के लिए क्या डालना पड़ेगा, फूड, फूड खाना पड़ेगा। अब कैसे फूड भी खाएंगे वो भी जरूरी है, सब फूड नहीं खाना है, जो अच्छे हो न्यूट्रिशियस हो वो God's food gives us energy and keep us strong and healthy. That's why we need food. इसलिए हमें food जरूरी है। अब बात करते हैं habits of animals on the basis of eating habits. मतलब eating habits के basis पे जो animals की category है, types of animals है, वो discuss करते हैं। There are 3 types of animals on the basis of eating habits of animals. कौन कौन से हैं? 1. Herbivores. 2. Carnivores. 3. Omnivores. वापस revise करते हैं। There are 3 types of animals on the basis of eating habits: herbivores, carnivores, and omnivores. Okay, herbivores, carnivores, and omnivores. ये 3 category में animals को distribute करा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले discuss करते हैं herbivores. इनको plant-eating animals भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए डिस्कस करते हैं, इसके डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। मतलब ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं और उसके पार्ट्स को खाते हैं, या तो प्लांट को पूरा खा जाएंगे या फिर जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, जो भी है ट्रांजिट उनको खाते हैं, वो एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स, ठीक है। इसलिए इनको प्लांट ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स, क्योंकि प्लांट को खाते हैं, इसलिए कौन खाते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स। एग्जांपल क्या कहेंगे, काऊ, बफेलो, हॉर्स, मंकी,
रैबिट, जिराफ, आपने देखा काउ बफेलो को अपने घर के पास देख लेंगे, हॉर्स भी देखेंगे आपने, ठीक है, मूवीज में देखे होंगे, शादी में तो देखे होंगे, ठीक है, मंगे भी देखा है आता है, रैबिट भी खूब देखे होंगे इधर थोड़े आस पास जहाँ पर थोड़ी ग्रासेस ज्यादा होती है, थोड़ा जहाँ वुमेन का इन्वॉल्वमेंट कम होता है ऐसे एरियाज पर भी रैबिट रहते हैं, जंगल में मोस्टली ज्यादा रहते हैं, जिराफ वगैरह आपको जू में मिल जाएंगे देखने के लिए, ठीक है, उनकी पिक्चर्स भी आपके बुक में दी गई, आप देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से एनिमल्स क्या है। नाउ डिस्कस कार्निवोरस एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, मतलब ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, मार के उसका क्या खाते हैं, फ्लैश, मींस मांस खाते हैं उसका पूरा, ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, कार्निवोरस, दैट मींस द एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। इन्हें फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, इनको कहते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या है, एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। एग्जांपल क्या है कार्निवोरस के, लायन, जंगल का राजा, टाइगर अपना नेशनल एनिमल है, रॉयल बंगाल टाइगर, चीता, लेपर्ड एंड क्रोकोडाइल एटसेट्रा, ये सभी कैसे एनिमल्स हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स मींस कार्निवोरस एनिमल्स। थर्ड कैटेगरी है ओमनीवोरस, क्या है, ओमनीवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, मतलब ऐसे एनिमल्स जो प्लांट को भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खुद तो एनिमल है ही, मतलब ऐसे एनिमल्स प्लांट को भी खा रहे हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खा रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल देम, ओमनीवोरस एनिमल्स, मतलब दोनों को खाते हैं। एग्जांपल क्या है इस कैटेगरी में, क्रो है, कौवा है, पीकॉक, बियर, बैट और ह्यूमन बींग्स, बैट चमगादड़ हो गया, बियर भालू हो गया, ह्यूमन बींग्स अपन सभी इंसान, ठीक है, अपन पूरे सभी को एक क्लास में बोलते हैं ह्यूमन बींग्स बोलते हैं एक साथ, ठीक है, तो अपन भी क्या है ओमनीवोरस, अपन बोल रहे हैं हम तो ओमनीवोरस समझते हैं, तो मांस तो खाते भी हैं एनिमल्स, नहीं अपन ओमनीवोरस कैटेगरी में, बिकॉज अपन ऑक्सीजन इंटेक करते हैं या बाहर निकालते हैं, जब भी कुछ बहुत इंटेक करते हैं तो बहुत से बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, या फिर दही खाते होंगे आप, दही के अंदर भी बहुत से बैक्टीरिया, ऐसे बहुत सी चीजें खाते हैं जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बॉडी में जाते ही जाते हैं, दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडेड इन ओमनीवोरस कैटेगरी। तो रिवाइज करें ईटिंग हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स चैप्टर के अंदर, अपन ने फर्स्ट डिस्कस किया व्हाई डू वी नीड फूड, बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी एंड कीप्स अस स्ट्रांग एंड हेल्दी, वी कैन बी थिंकिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिटेट्स देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनिमल्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल्स, ठीक है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्लांट ईटिंग एनिमल्स, तो ये प्लांट खाते हैं इसकी, और बोलते हैं क्या एग्जाम्पल दे, हॉर्स, काउ, बफेलो, मंकी, जिराफ एटसेट्रा, एंड द कार्निवोरस एनिमल्स एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, एग्जाम्पल्स लायन, टाइगर, चीता, लेपर्ड, क्रोकोडाइल एटसेट्रा, एंड द थर्ड कैटेगरी ओमनीवोरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एज वेल एज अदर एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, क्रो, पीकॉक, बियर, बैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द ओमनीवोरस, ये थ्री, देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स। सो आज के लिए इतना ही, अच्छे से इसको पढ़ना, रिवाइज करना, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो डाउट हो तो आप वापस क्वेरी कर सकते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वाला पोर्शन आगे कंसिडर करेंगे, स्टार्ट करेंगे, थैंक यू, तब तक के लिए।